का है। और इस पर देखिए स्टेयरिंग में सारे आपको स्विच मिल जाते हैं कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद मैंने इंजन को देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने के बाद देखिए इंजन स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इंजन में सारे कुछ मिल जाते हैं। और देखिए इसके साथ साथ ही आपका महिंद्रा का जो म्यूज़िक सिस्टम जो है वो भी ऑन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आपका वॉल्यूम अप डाउन करने का है। और नीचे में एसी का ही फंक्शन है। उसका एसी फंक्शन अगर आप नहीं चलाना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कैसे आप चला सकते हैं। और देखिए यहाँ पर नीचे में आप देख रहे हैं चार्जिंग पॉइंट है। आपका ऑक्स केबल का भी इसमें पॉइंट दिया हुआ है। अगर आप ऑक्स चलाना चाहते हैं तो वो भी इसमें सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये आपका एसी का सारा इसमें फंक्शन है, मोड है, डुअल है, टेम्परेचर है। इसमें डबल टेम्परेचर दिया हुआ है। और सामने आपका देखिए म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है जिसमें आपका प्रॉग दिख रहा है, डिस्प्ले, नेविगेशन, इसमें एवरीथिंग सभी कुछ का जो ऑटो एंड्रॉयड होता है ये भी इसमें उपलब्ध है। इसमें आपका देखिए इसमें ड्राइवर के साथ साथ आपका इसमें चार जो है आपका ये आपका सीट बेल्ट आपको इसमें लगाने का सिस्टम होता है। ये आपका लेफ्ट साइड में जो है इंडिकेटर का स्विच है और राइट साइड में भी आपका इंडिकेटर का लेफ्ट साइड में सॉरी आपका जो वाइपर है वाइपर का स्विच आती है सामने का और पीछे का आता है। और राइट साइड में आपका आता है लाइट और इंडिकेटर के स्विच आती है। ऊपर में देख रहे हैं आप इसमें सनरूफ दिया हुआ है। सनरूफ का यहाँ पर स्विच है और ये डोर लाइट भी यहाँ पर दिया हुआ आपका है सनरूफ का स्विच को यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं महिंद्रा XUV 300 के बारे में रिस्पांस में देने वाला हूं, इसका रिव्यू में देने वाला हूं, आप लोगों को भाई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो वो आप तक वो तुरंत वो डायरेक्टली वो सीधे वो अपडेट हो। थैंक यू फ्रेंड्स। XUV 300 W8 मॉडल है जिसका फीचर्स क्या क्या है, अभी जो नया गाड़ी जो निकली है उसका फीचर्स क्या क्या है, इनमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या चेंजेस हुआ है, किस तरह ये लुक है, किस तरह डिज़ाइन है, सभी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये देखिए आपका पेट्रोल जो है वह पेट्रोल जहाँ दिया जाता है वो आपका लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट लेफ्ट का जो टायर है वो टायर काफ़ी दिखने में बड़ा है। इसका जो ये आपका ऊपर से ये ब्लैक का बॉर्डर दिया हुआ है जो काफ़ी दिखने में मतलब कि अच्छा बनाता है। और सामने के जो लाइट अब जो दिख रहे हैं ना लाइट, इसका हेलोजन लाइट दिया हुआ है, इंडिकेटर दिया हुआ है बॉक्स क्यूब टाइप का जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। अगर इसका चाबी से अगर अनलॉक करते हैं ना तो ये मतलब कि सामने का लाइट जलता है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। और ये देखिए इसका लोगो काफ़ी मतलब बड़ा लोगो है। इसका ग्रिल भी अच्छा इसका बनाया गया है। और देखिए नीचे में जो दिख रहे हैं ना इसका फॉग लाइट भी काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब कि लाइट रास्ते में स्ट्रीट को हम काफ़ी अच्छा से देख पाते हैं। सामने का ये फेस लिफ्ट भी काफ़ी बड़ा है, अगर आप चाहे तो इस पर आसानी से बैठकर आप फोटो वोटो खिंचा सकते हैं। ये देखिए अब मैं आपका फेस लिफ्ट जो है इसका बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए मैंने सामने का बोनट का मैंने ये स्विच को मैंने ओपन कर दिया है, अब मैं बोनट खोल रहा हूँ। देखिए इसका जो इंजन है ना दो मॉडल में आती है, एक डीजल और एक पेट्रोल। डीजल जो है 1.10 लीटर का और पेट्रोल जो है 1.15 का आता है। और देखिए यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड में ये इंडिकेटर में बल्ब दिया हुआ है और ये आपका अनलॉक करने के लिए गेट के पास में एक स्विच भी दिया हुआ है। और पीछे का देखिए पीछे का लुक काफ़ी ये दिखने में अच्छा है। ये XUV का 300 का W8 मॉडल का जो है पीछे का भी आपका जो डिक्की का जो जगह है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं है। और इसमें देखिए दो पार्किंग सेंसर दिया हुआ है। पीछे में आपका ये बड़ा सा महिंद्रा का आप लोगो भी देख पा रहे हैं और पीछे में इसका वाइपर भी दिया हुआ है। और नीचे से देखिए नीचे से आपका जो गाड़ी का जो शॉकर होता है वो सभी कुछ इसमें मतलब कि बढ़िया और बेटर दिया हुआ। आप चलाएंगे तो इसे काफ़ी मतलब कि चलाने में आपको क्लाशी लगेगा। ऊपर में एक एंटीना दिया हुआ है, ज़्यादा जर्किंग अगर जर्किंग भी चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए पीछे में एक कैमरा दिया हुआ है जिसके द्वारा हम पार्किंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पार्किंग भी आसानी से कर लेते हैं। और ये आपका कार का राइट साइड का डोर है जिसमें पीछे में दिया हुआ है आपका स्विच ग्लास को पावर विंडो दिया हुआ है। और यहाँ पर आप बोतल भी रख सकते हैं। और ये इसका आप देख रहे हैं इसका बैठने का स्पेस काफ़ी बड़ा है, बिग है।
बस पीछे में इतना ही आपको मिलता है, और इससे ज़्यादा फीचर्स लेने के लिए आपको दूसरी कार की ज़रूरत है। अब आते हैं सामने में, देखिए इसका राइट साइड ड्राइवर सीट में के पास में आपका सभी पावर विंडो का है, स्विच दिया हुआ है, लॉक अनलॉक करने का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो स्टार्ट ऑफ ऑन करने का है, प्लस पार्किंग भी ऑफ ऑन करने का है, और इसमें